दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर की गार्डों ने पिटाई कर दी। इस बात से नाराज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि आरोपी गार्डों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुरक्षित की जाए। नर्सिंग स्टाफ शशिकांत ने बताया कि मंगलवार को शाम नर्सिंग ऑफिसर मान प्रकाश तिवारी का अस्पताल के एक गार्ड के साथ कहासुनी हो गई। मान प्रकाश तिवारी ने गार्ड को अपना काम सही से करने की हिदायत दी। ये बात गार्ड को इतनी नागवार गुजरी कि उसने साथी गार्डों के साथ मिलकर मान प्रकाश तिवारी की कमरे में बंद कर पिटाई की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। अस्पताल में मौजूद दूसरे स्टाफ को जब मान प्रकाश तिवारी के साथ मारपीट की जानकारी मिली तो उन्होंने गार्डों के चुंगल से उन्हें छुड़ाया। शशिकांत का कहना है कि इस मामले की जानकारी उनकी तरफ से अस्पताल प्रशासन से की गई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जब तक गार्डों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उनका काम बंद रहेगा और हड़ताल जारी रहेगी। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उनकी मांग है कि मारपीट में शामिल गार्डों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए, चाचा नेहरू अस्पताल में गार्ड उपलब्ध कराने वाली सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, आरोपी के खिलाफ अस्पताल प्रशासन पुलिस में मुकदमा दर्ज कराए, इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम शशिकांत है। शशिकांत जी, स्ट्राइक पे किस लिए गए, क्या वजह है? स्ट्राइक की वजह हमारी ऐसी है कि हमारे एक साथी को कल शाम को 7:30 बजे करीब बहुत गंदे तरीके से पीटा गया है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उनका नाम नर्सिंग ऑफिसर मान प्रकाश तिवारी है। वो यहाँ के सबसे सीनियर ऑफिसर रहे हैं, बढ़िया उनका काम रहा है और बहुत सालों से वो 15 साल से इमरजेंसी में काम करते रहे हैं। उन्होंने गार्ड से किसी छोटी मोटी कहासुनी को लेकर, गार्ड को किसी बात को लेकर कि भाई चलिए आप अपना काम ठीक से कीजिए, इस बात पे उन्होंने गुस्सा खा के अपने 2-3 साथियों को बुलाया और चुपचाप अंदर कमरे में ले जाकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बावजूद में उन्होंने कमरा नहीं खोला और मारते ही रहे। आधे घंटे बाद में हमारे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रणधीर वो पहुँचे हैं और उनके साथ में जो हमारी 2 नर्सिंग ऑफिसर थी वो उनके साथ में गई हैं, तब उन्होंने कमरा खोला है और बाहर निकलने के बावजूद उनसे मारपीट की, उनके साथ में गाली गलौज करी है, उनको धमकाया है, जान से मारने की धमकी दी है। और भी 2-4 लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि भाई हम उन्हें भी देख लेंगे और तुम भी बाहर निकलना, तुम्हें देख लेंगे। इसकी आपने पुलिस शिकायत कराई? इसमें अभी हमने पुलिस शिकायत इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हमें प्रशासन पर ऐसा भरोसा था कि हमारा प्रशासन ही इस मामले को डील कर सकता है, जबकि CMO को रात में उन्हें इन्फॉर्म करके हैदराबाद अथॉरिटी को बताना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सुबह उन्होंने जिसके साथ में मारपीट हुई है उसको खड़ा रखा, उससे बातचीत करने से यहाँ की डायरेक्टर ने इनकार कर दिया, जबकि उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ मारपीट की उनको बुलाया गया, उनको बुला के उनके साथ आधे घंटे तक उनको एंटरटेन किया गया, उनकी बात सुनी गई, जबकि हमारे सारे साथी जो इस बात से खफा थे कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाउंसर हैं, वो पहले भी इस तरह की बदतमीजी कई लोगों के साथ में कर चुके हैं। सर अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उन तीनों ऑफिसर्स ने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने जिन पर इन्होंने हाथ उठाया है, इस तरह की मर्यादा भंग की है, एक इस तरह की हमें मानसिक और ये प्रताड़ित किया है, आत्मिक चोट पहुँचाई है, उन्हें तीनों को इमीडिएट तुरंत प्रभाव से नौकरी से उन्हें निकालें, हॉस्पिटल अपनी एक FIR दर्ज कराए अपनी तरफ से जो मारपीट उन पर हुई है, और इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल प्रशासन भी इस चीज़ के लिए आगे से इस चीज़ के लिखित में हमें ये दे कि भाई आगे से इस तरह की घटना कोई भी होगी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और हम ये सिक्योरिटी ब्लैक लिस्टेड करने की भी मांग करते हैं क्योंकि इस सिक्योरिटी को बहुत दिन यहाँ पे हो गए हैं और ये लोग तानाशाह हो गए हैं, किसी की बात ये नहीं सुनते, सबके साथ बदतमीजी करते हैं और इनकी कोई कंप्लेंट करता है तो इकट्ठे होकर उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसी कई बार हो गए हैं। उन्होंने गलत तरीके से गलत लोगों के साथ में जाके कई तरह वीडियो भी बनाए हैं, कहीं पे अगर कोई प्रेमी जोड़ा बात कर रहा होता है ये तो ये जाके चुपचाप उनकी वीडियो बना लेते हैं, उनको मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, इस तरह की भी घटनाएं कई बार हुई हैं जो कि प्रशासन के संज्ञान में आ चुकी है। कुछ घटना नॉर्मल वैसे ही थी, मैंने उसको गार्ड को बोला कि मैंने पेशेंट बुला कर लिया हुआ, तो उसको कोई शब्द बुरे लग गए उसको, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उसने गलत मान लिया और बाउंसर को बुलाकर सुपरवाइजर के साथ मेरे साथ मारपीट करी है उसने, कमरे बंद करके नहीं। हाँ, और मैं बोला हूँ उसके बाद भी मेरे को कोई नहीं, CMO ने भी नहीं बचाया मेरे को। अब उनके सबूत बताओ। पुलिस कंप्लेंट दी आपने? पुलिस कंप्लेंट दी आपने? पुलिस अभी नहीं दी। आप देंगे अभी? प्रशासन देगा डिस्कशन, सुरक्षा तो प्रशासन का हाथ में, देना नहीं देना। तो अब आपकी ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? प्रशासन के डिसीजन के। हाँ, सर कब तक ये आपकी स्ट्राइक चलती रहेगी? अभी स्ट्राइक का कोई निर्णय अभी लिया नहीं गया है, जैसा कि आगे प्रशासन की तरफ से चल रहा है कार्रवाई, तो आगे जो प्रशासन करता है उसके अगेंस्ट में हम काम करेंगे।
तो अभी इनकी हालत कैसी है? अभी हालत थोड़ी ठीक है, कुछ अंदरूनी उनकी चोटी भी लगी है तो उसके लिए अभी देखा जाएगा हॉस्पिटल में। उन्होंने इसकी शिकायत डायरेक्टर से की? डायरेक्टर से करी थी, डायरेक्टर जी ने हमसे मिलने से मना कर दिया सीधा तौर पे कि आप सब जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। तो सारे नर्सिंग जितने स्टाफ है सभी स्ट्राइक पे चले गए? सभी स्ट्राइक पे हैं अभी। अभी मरीजों का क्या होगा जो आ रहे अभी हैं? अभी हमारा जो स्टाफ है उसमें से 50% स्ट्राइक पे और 50% अभी वर्किंग पे है, काम कर रहा है। एमरजेंसी और ICU OT हमारी अभी चल रही है और वार्ड्स भी उसमें चल रहे हैं, कुछ कुछ पेशेंट की जगह हम अभी काम कर रहे हैं उसके साथ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।